हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़ी। हम लोग जो पीरियडिक टेबल का चैप्टर कर रहे थे उसका भी पार्ट थ्री है, और इसमें हम लोग जो हमारे ट्रेंड्स थे, जो हमको ट्रेंड्स देखने थे, वो अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप देखिए। तो एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग इसको एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडाई भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसको हम लोग एटॉमिक रेडाई ऐसा बोलेंगे। इसका जो यूनिट आता है ये एमस्ट्रॉम आता है, और यहाँ पे ए के ऊपर इस तरीके से डिग्री का सिग्नल हम लोग बनाते हैं, तो ये उसका यूनिट है। जब आप ट्रेंड्स देखेंगे, हम लोग इसको दो तरीके से देखेंगे, एक तो अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट, और दूसरा डाउन द ग्रुप यानी पूरे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिथियम को कंसीडर किया, तो एमस्ट्रॉन्ग में उसका जो रेडियस है 1.55 आता है, और अगर मैं फ्लोरिन को कंसीडर करूँ तो 0.64 आता है। देखिए रीजन एकदम सिंपल है, यहाँ पे एटोमिक नंबर 3 है, यहाँ पे एटोमिक नंबर 9 है। तो ये जो 3 है ये क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। तो 3 पॉजिटिव को 3 नेगेटिव ज्यादा जोर से खींचेंगे कि 9 पॉजिटिव को 9 नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव में। तो इसीलिए इसका रेडियस कम आता है और इसका रेडियस ज्यादा आता है। सो गोइंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज, यहाँ पे आपका साइज जो है वो कम होता जाएगा। रही बात नियॉन की, तो नियॉन का इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, बिकॉज नियॉन में क्या है, जब आप 10 लिखते हो तो 2 कॉमेट में वो उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इसीलिए उस कंडीशन में हम लोग वहां पे उसकी वैल्यू है, उसका जो एटॉमिक साइज है एमस्ट्रॉन्ग में वो फ्लोरीन से थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन ऑफकोर्स लिथियम से थोड़ा कम ही आता है। और रही बात डाउन द ग्रुप, देखिए लिथियम का हमने देखा था ऑलरेडी 1.55 है, लेकिन सीजियम में क्या हो जाता है, 2.67 आता है। अब आपको पता है एटॉमिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स। अभी लिथियम जो है दैट इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप, सीजियम जो है दैट इज प्लेस्ड इन सिक्स्थ ग्रुप। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या, उसको जो शेल्स लगे होंगे वो कितने लगे होंगे, 2, और सीजियम को 6। ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 2, सो कमिंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। सो अक्रॉस अ पीरियड इज डिक्रीजिंग एंड डाउन द ग्रुप इट इज इंक्रीजिंग, ये आपको याद रखना है। सेकंड ट्रेंड, जो हमारा सेकंड ट्रेंड है वो आइलेशन पोटेंशियल है, इसका डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखा है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पे गैसियस एटम लिखना बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गैस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड और गैस में मुझे सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करता है, सॉलिड में से, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। तो इसीलिए जब एक एटम उसके गैसीय स्टेट में होगा तो मैं क्या करूंगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। इसका जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम कंसीडर करता हूं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 282। अब ये जो 2 है मुझे पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेगा, यहाँ पे एन लिखा है, एट अ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, 281 होगा। अभी वो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अभी क्या होगा, 2L8 होगा। मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे हमका मतलब मेटल है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन पोटेंशियल को IP लिखते हैं, सो दिस विल बी IP1, बिकॉज ये क्या है, इट इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब इस कंडीशन में से वो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब 1 में से फिर क्या हुआ, उसने वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये आपका IP2 हो जाता है, आयनेशन पोटेंशियल 2। तो एक बात याद रखिए, हम ऐसा जब जनरली बोलते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दोनों एक साथ डोनेट नहीं होते हैं, एट अ टाइम एक ही डोनेट होगा, सेकंड स्टेप में फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स आप डोनेट करेंगे। वैसे अगर एल्यूमिनियम का केस आता है 13 है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 283 लिखते हैं, तो 3 मतलब क्या, 3 स्टेप लगेंगे, पहले एक फिर दूसरा और फिर बचा हुआ एक। अभी अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियडिक टेबल में, लिथियम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इसका आंसर आता है वो आता है 5.4, और फ्लोरीन का आंसर आता है 17.4, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। अब देखिए इंक्रीज क्यों हो रहा है, यहां से यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अगर आपका रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलने को ज्यादा एनर्जी लगेगी कि कम एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर छोटा हो गया है। तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर छोटा था विद रिस्पेक्ट टू लिथियम, जब स्ट्रक्चर छोटा होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब आप जाएंगे तो जो आपका आयनेशन पोटेंशियल दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप देखते हैं, फिर लिथियम का 5.4 है, सीजियम 3
3.9 आ रहा है। अब डाउन द ग्रुप वापस लिथियम जो है दैट इज इन सेकंड ग्रुप, और सीजियम जो है लिथियम इज इन सेकंड पीरियड एंड सीजियम इज इन सिक्स्थ पीरियड। यहाँ पे दो शेल आपको लगे, यहाँ पे छह शेल लगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा का हुआ जहाँ पे स्ट्रक्चर छोटा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा कहाँ पे मिलेगा? सिक्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस कहाँ पे मिल रहा है? सिक्स में मिल रहा है। आउटर मोस्ट शेल तक अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही पहुंच नहीं रहा है तो मैं तो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर दूंगा, इसीलिए मुझे कम एनर्जी लगी ना। सो देयरफॉर डाउन द ग्रुप जो एक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड है इट इज गोइंग टू डिक्रीज। जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसको रिलीज करनी है व्हेन एटम इन गैसीय स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है मतलब आयनेशन पोटेंशियल का अपोजिट हो जाएगा। आयनेशन पोटेंशियल में मेटल्स डोनेट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा भी जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट करने की बात करेगा और वो फॉर्म क्या कर लेगा, एनायन फॉर्म कर लेगा। यानी जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है वो एनायन होता है। यूनिट हम लोग इसमें सिर्फ नेगेटिव साइन बताएंगे बिकॉज एनायन यानी हम नेगेटिव साइन देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट वैसा ही होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक्स का मतलब यहाँ पे हमारा हेलोजन, हेलोजन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाएगा, वो एनायन फॉर्म करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस का साइन एक बार दिया है। अब देखिए लिथियम से फ्लोरीन पे जाते हो क्या होने वाला है, लिथियम का चार्ज। अब सबसे पहले तो एक बात, हम ये बेसिकली किसके लिए कंसिडर करते हैं, नॉन मेटल्स के लिए। तो लिथियम तो मेटल हो गया, वो तो इलेक्ट्रॉन को कभी एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो तो डोनेट करेगा। एक्सेप्ट कौन करने वाला है, फ्लोरीन। सो अक्रॉस अ पीरियड आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज इनके पावर्स तो डोनेशन का पावर है। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है, इसको गेन करना है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, गेन करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो और एक और बात आप याद रखेंगे, पूरे पीरियडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ये वैसे हम लोग आगे देखने वाले हैं कि वो क्या है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो किसमें आने वाली है, फ्लोरीन के पास। सो अक्रॉस अ पीरियड इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अब डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, फ्लोरीन तो हाईएस्ट ही था तो डाउन द ग्रुप आपका तो स्ट्रक्चर भी इंक्रीज होगा ना, आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। सो डाउन द ग्रुप आपका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। खींचने का पावर डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज अगर आप आयोडीन में भी देखें ना तो आयोडीन का जो आपका न्यूक्लियस है वहां से लेके आउटर मोस्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, तो नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो डाउन द ग्रुप इट ऑलवेज डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये बात आपको याद रखनी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, यहाँ पे सीधा एक पेयर के बारे में बात हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग NaCl देखे, अब ये एक बॉन्ड क्या इंडिकेट करेगा कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरिन का एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉन्ड में वो किसने एक्सेप्ट कर लिए, क्लोरीन ने। तो पूरा का पूरा एरो जब आप पता रहे तो सारे बॉन्ड्स वहां पे आते हैं। अब देखिए सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमने 0.9 कंसीडर की है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। सेम कंडीशन आ जाएगी, लिथियम के नीचे सोडियम प्लेस करते हैं हम लोग तो ये तो मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन नहीं कर पाएगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा वो उसको, नॉन मेटल। सो इसलिए अक्रॉस अ पीरियड आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ही आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज, ये आपको याद रखना है। और जस्ट मैंने आपको बताया कि फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और जब आप आयोडीन में जाएंगे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरिन की हाईएस्ट है बिकॉज ऑफ लेस साइज आयोडीन से कंपेयर करेंगे तो, बिकॉज आयोडीन हैज अ ग्रेटर साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरिन। सो डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होने वाली है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो हमारा लास्ट ट्रेंड है वो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब देखिए अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है इसको डिक्रीज होना पड़ेगा और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अब शुरुआत में अगर आप लेफ्ट टू राइट ऑफ पीरियड में जाएंगे तो पहले लिथियम है, फिर उसके आगे बेरिलियम आता है, फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो बोरॉन कार्बन ऐसा आगे आते जाएगा, आगे फिर फ्लोरिन आएगा। लिथियम की वैलेंसी प्लस वन है, फ्लोरिन की वैलेंसी क्या है, माइनस वन है। अब शुरुआत में क्या हो गया, प्लस वन से फिर प्लस टू पे जाएगा, प्लस थ्री पे जाएगा, प्लस फोर पे जाएगा, बाद में माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन ऐसे करते वो जीरो पे आ जाएगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज शुरुआत तो प्लस से हुई थी, खत्म किधर हो रहा है, माइनस वन या फिर जीरो पे। सो आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। दूसरा जब आप यहाँ तक जाओगे ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है,
कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज व्हाई द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. तो साइमल्टेनियसली आपको दो बातें लिखनी है, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, ये बात आपको याद रखनी है. सेकेंड डाउन द ग्रुप, अब अगर मैं लिथियम को और नीचे सीजियम को कंपेयर करूँ, अगर मैं नीचे सीजियम को कंपेयर करूँ तो लिथियम जो है दैट इज इन सेकेंड पीरियड और सीजियम जो है दैट इज इन सिक्स पीरियड. ऑब्वियसली शेल का साइज यहाँ पे बड़ा है, शेल का साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा. सो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी वैलेंसी प्लस वन है, यहाँ पे भी वैलेंसी प्लस वन है, सेम ग्रुप में प्लेस्ड है, लेकिन यहाँ पे पीरियड आपके शेल्स जो है इसका शेल सिक्स है. तो यहाँ पे क्या है, शेल साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होता है. रही बात फ्लोरिन में, फ्लोरिन भी माइनस वन है, आयोडीन भी माइनस वन है, लेकिन मैंने जस्ट आपको बताया फ्लोरिन जो दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाता. तो इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या आने वाला है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज, बिकॉज फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ही ज्यादा होता है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसीलिए फ्लोरिन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू आयोडीन, इसीलिए डाउन द ग्रुप को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे हमारा पीरियोडिक टेबल का भी चैप्टर खत्म हो गया है. चैप्टर का ये ट्रेंड रट्टा मार के नहीं चलेगा, आप अच्छे से समझना पड़ेगा. जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तब ये आपको अच्छे से उसमें लिखता जाएगा. तो जिस हिसाब से मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा था, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें. प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो इस बार उसको अच्छे से देख लें. कुछ भी अगर डाउट्स है तो नीचे फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा. थैंक यू.